जय श्री राम। राम काव्य की परंपरा के अंतर्गत आइए अब हम आगे देखते हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति अपनी भावना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न संबंध जोड़कर की है। मुख्य रूप से ये संबंध पांच रूपों में व्यक्त हुए हैं। पहला सख्य भाव, दूसरा दास्य भाव, तीसरा वात्सल्य भाव, चौथा माधुर्य भाव और पांचवा शांत भाव। सख्य भाव में भक्त अपने को ईश्वर का सखा या मित्र मानता है। सूरदास, अर्जुन, उद्धव की भक्ति सख्य भाव में आती है। दास भाव में भक्त अपने को ईश्वर का दास और ईश्वर को अपना स्वामी मानता है। तुलसीदास, अक्रूर, हनुमान, विभीषण की भक्ति दास भाव में आती है। वात्सल्य भाव में भक्त बाल लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाते हैं। सूरदास के काव्य में नंद यशोदा की भक्ति वात्सल्य भाव में आती है। माधुर्य भाव में कांता भाव और दाम्पत्य भाव की भक्ति है। श्रवण भक्त कवियों में यह कृष्ण और राम की प्रेम लीलाओं के गुणगान के रूप में व्यक्त हुई है। निर्गुण भक्त कवियों में यह दाम्पत्य भाव के रूप में व्यक्त हुई है। कबीरदास राम को इस तरह से अपना संबंध बताते हैं राम से कि अपने को राम की बहुरिया कहते हैं। सात भाव में भक्त ध्यान और ज्ञान द्वारा अपनी भक्ति व्यक्त करता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार की भक्ति शांत भाव में आती है। भक्ति आंदोलन केवल साहित्यिक आंदोलन नहीं था, अपितु धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वर्मा के अनुसार इसका महत्व इसलिए ही नहीं है कि यह बहुआयामी, बहुस्तरीय, देशव्यापी तथा बहुप्रभावी आंदोलन था, वरन इसलिए भी है कि इसका काव्य, संस्कृत व साहित्य के परावलंबन के साथ साथ समाज के भौतिक विकास और साहित्य के परावलंबन का भी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से प्रारंभ हुई। वैष्णवों का तमिल नाम आलवार और शैवों का नायनमार है। आलवारों ने वेद, उपनिषद एवं गीता से विचार ग्रहण करके पद शैली में तमिल भाषा में गीत लिखे, जिनका संकलन दिव्य प्रबंधन में किया गया है। सभी को ईश्वर की उपासना का समान अधिकार देने के लिए समानतावादी विचारधारा का सूत्रपात इस आंदोलन के द्वारा हुआ। दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित भक्ति परंपरा में शरणागति और समर्पण की भावना अधिक प्रबल रूप में पाई जाती थी। ईसवी सन के प्रारंभ में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं का मिलन हुआ तथा पूजा को भक्ति का मुख्य साधन माना गया। भागवत को कन्नड़ प्रदेश में रचित कहा गया है। भक्ति भावना के संदर्भ में पांच रात्र का भी योगदान है। विष्णु के विभिन्न अवतारों को मानने वाले वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम पांच रात्र है। पांच रात्र से तात्पर्य है ब्रह्म, मुक्ति, भोग, योग और संसार नामक विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान। भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारे भारत में हुआ। गुरु नानक, अर्जुन देव, शेख फरीद, कबीर, रैदास, मीरा, दादू दयाल, जायसी, नामदेव, तुकाराम, रामदास, रामानंद, पोतना, वेमन्ना, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शंकर देव, माधव देव आदि इस आंदोलन के प्रणेता थे। भक्ति काव्य ने भारतीय काव्यधारा
के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि सांसारिक गुणों से रहित या उससे ऊपर एवं रंग रूप आकार से रहित ईश्वर को मानने वाले भक्त कभी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, और जो भक्त मानते हैं कि ईश्वर का एक रूप है सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। सभी गुणों से युक्त एवं कोई भी रूप धारण करने में सक्षम ईश्वर को मानने वाले भक्त कवि सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भक्ति काव्य की शाखाओं को इस प्रकार विभाजित किया गया दो भागों में, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य के अंतर्गत दो शाखा है, एक ज्ञानाश्री शाखा और नंबर दो में प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य के अंतर्गत माना गया है, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्री शाखा जिसे सूखी काव्य कहा जाता है, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। दूसरी ओर हम देखें सगुण काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला शैव भक्ति और दूसरा वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति को फिर दो शाखाओं में हम देखते हैं, पहले नंबर में कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरे नंबर में राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। निर्गुण मार्गी ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनका दृढ़ मत है कि ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वह मनुष्य या अन्य प्राणी का रूप धारण नहीं करता। इस पंथ में जीव और ईश्वर की एकता पर बल दिया गया है, अतः निर्गुण पंथी जाति पाति और ऊंच नीच के भेद में विश्वास नहीं करते। निर्गुण काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहस्यवाद है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना, उनसे अपना संबंध जोड़ना और उस सत्ता के साथ अपने को एकाकार महसूस करना ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहस्यवाद के दो प्रकार हैं। पहला भावनात्मक रहस्यवाद, ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभूति जिसमें होती है, और दूसरे नंबर में साधनात्मक रहस्यवाद जिसमें योग की साधना पद्धति बताई गई है। हिंदी का संत काव्य सिद्ध एवं नाथ साहित्य का विकसित रूप माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 तथा नाथों की संख्या 9 है। सरहपा को आदि सिद्ध माना जाता है तथा नाग पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ या स्वयं शिव कहे जाते हैं। सिद्ध मंत्रों के द्वारा तथा नाथ हठयोग की क्रियाओं द्वारा सिद्ध प्राप्त करते थे। ज्ञानाश्री संत काव्यधारा में कबीर, रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास आदि कवि आते हैं, जिन्होंने सामाजिक वैवनश्य का विरोध किया एवं समानता के आधार पर मानव समाज के निर्माण की प्रेरणा दी। प्रेमाश्री सूखी काव्यधारा में जायसी, कुतवन, मंझन आदि कवि आते हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृत के मानव मात्र में रागात्मक व एकात्मक संबंधों को पुष्ट करने वाली धारा का प्रवाह किया। इन कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों के लिए लौकिक प्रेम कथाओं को आधार बनाकर आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया है। सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक और प्रियतमा का प्रतीक माना है। भारत में निर्गुण काव्य परंपरा का विकास जन जागरण के लिए धार्मिक आंदोलन था। सगुण पंथी अपनी भक्ति का आलंबन किसी न किसी अवतार को बनाए हैं। यह सृष्टि तो ईश्वर की लीला है ही, लेकिन ईश्वर भक्तों के लिए अवतार लेकर भी लीला करता है। भक्ति का लक्ष्य ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना होता है। ईश्वर लीला का ध्यान करना एवं गायन करना भक्ति का अंग है। कृष्ण, राम आदि अवतार इसी ईश्वर के सगुण रूप हैं। सगुण रूप के दो प्रकार हैं, रागानुगा भक्ति और नंबर दो में वैधी भक्ति। ईश्वर के प्रति तन्मयता और अनुराग का अधिक रागानुगा भक्ति में आता है, और शास्त्रों के विधि निषेध का पालन करना वैधी भक्ति में होता है। शैव भक्ति धारा में शिव को एवं वैष्णव भक्ति धारा में विष्णु को आराध्य माना गया है। वैष्णव कवियों ने विशेष रूप से राम और कृष्ण से संबंधित कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है।